तो दोस्तों आइए आज सीखते हैं एक और बेहतरीन वीडियो जो कि हमारा मोल्ड चेंजिंग का है। इसमें हम आज सिखाएंगे आपको, ये जो मोल्ड आप देख रहे हैं इसको हम लगाएंगे टोशीबा मशीन पे 150 टन पे। हम आज सीखेंगे कि टोशीबा मशीन पे मोल्ड हम कैसे लोड करते हैं। तो बाकी हम मोल्ड लोड करना, सेटिंग्स पीएलसी पे कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को निकालते हैं, सेंटर कैसे मिलाते हैं, ये सारी हम जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब हम सीखेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा क्रेन है। इस क्रेन सिस्टम से जैसा मैं आपको पहले भी एक वीडियो दिखा चुका हूँ वैसे ही हम इस पर आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारे मोल्ड को इसी रोप पे हम फिट करते हैं। ये हमारा जो रिमोट है क्रेन का उसमें ऑन ऑफ अप डाउन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी बटने होते हैं। जिस डायरेक्शन पे हमें मोल्ड को ले जाना होता वो डायरेक्शन के बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो क्रेन होता है वो वैसे मूव करता है। पहले हम ऑन कर लेते हैं, ऑन की बटन को दबाते हैं। अब हमारा मोल्ड जो है वो हमसे इस रोप से ईस्ट डायरेक्शन में है तो हम ईस्ट बटन प्रेस किया तो हमारा जो क्रेन था वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ। अब हमें मोल्ड को उठाना है, मतलब मोल्ड को रोप से टाइट करके उठाना है। तो हम जहाँ पे मोल्ड रखा है उसके ऊपर अपनी क्रेन लेके आए। अब हम डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा क्रेन की रोप क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी डाउन डायरेक्शन में। तो हमने डाउन बटन को प्रेस किया तो हमारी रोप नीचे डाउन डायरेक्शन में आने लगी। अब हम क्या करेंगे कि जो क्रेन में रोप है इस रोप से हम अपने मोल्ड को पूरी तरीके से फिक्स करेंगे, टाइट करेंगे। हम इसे परफेक्टली टाइट करते हैं। परफेक्टली टाइट इसलिए करते हैं कि कहीं मोल्ड हमारा बाहर ना गिर जाए या जर्क मारे, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, इसलिए हम इसे परफेक्टली टाइट करते हैं। तो आइए टाइट करते हैं अपने मोल्ड को अपने रोप से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पूरी तरीके से इसे टाइट कर दिया। अब हम मोल्ड को क्रेन पे रिमोट पे अप बटन दबा के मोल्ड को ऊपर ले चलेंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि मोल्ड को हमें मशीन के ऊपर तक लेके जाना ताकि मूव कराते वक्त ये मशीन पे ना लड़ जाए। मशीन हमारी थोड़ा सा दूर है तो हमें एक मशीन क्रॉस करके वहाँ पे जाना है। तो हमने मोल्ड को ऊपर उठा लिया मशीन के ऊपर। अब ध्यान रखना है आपको, जब मोल्ड मूव कराते हैं तो हम या तो टॉगल, जहाँ पे हमारा टॉगल होता है या तो रैम होता, उस डायरेक्शन से हम इसे मूव कराएंगे। क्योंकि जहाँ पे मोल्ड होता उस डायरेक्शन पे नहीं लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वर्कर होता है या जो भी हमारा ऑपरेटर होता वो मशीन को ऑपरेट कर रहा होता, तो इससे थोड़ा सावधानी बरतने के लिए हम इसको इधर से लेके जाते हैं। तो चलिए मशीन पे लेके चलते हैं टोशीबा 150 टन पे जहाँ पे हमें इस मोल्ड को लोड करना है। तो फाइनली हमारा मोल्ड जो है वो टोशीबा मशीन तक पहुंच गया है। अब हम इसे इसके मोल्डिंग एरिया तक ले चलेंगे। मोल्ड को हमें टाई बार्स के बीच से लेके जाना होता है। तो जब भी हम मोल्ड लोड करते हैं तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि हमारे मोल्ड का साइज क्या है, मोल्ड की हाइट क्या है, टाई बार्स रॉड में फिट होगा या नहीं, प्लेटन साइज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है तभी हम मोल्ड को फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एजेक्टर हमारा, मतलब कि एजेक्टिंग रॉड किस जगह पे हमें फिट करनी। तो मोल्ड हमारा पूरी तरीके से क्या है कि मशीन के ऊपर आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें एजेक्टर को फॉरवर्ड करना है। अभी हमने क्या किया, एजेक्टर को फॉरवर्ड किया, पहले ओपनिंग बढ़ाई थोड़ा और एजेक्टर को फॉरवर्ड किया। अभी हमें चेक करना है कि हमारा एजेक्टर कहाँ पे लगा है, जिस मोल्ड पे जहाँ ज़रूरत हो उसी जगह पे हमें इस एजेक्टर को लगाना है। पहले जो मोल्ड चला उसमें नीचे ज़रूरत थी, अब जो मैं मोल्ड लेके आया हूँ इस मोल्ड में क्या है, हमें एजेक्टर की सेंटर से ज़रूरत है तो हम उस एजेक्टर रॉड को सेंटर में एडजस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये होता है पोजीशन, स्पीड, एजेक्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। ये मैं ऑलरेडी आपको टोशीबा मशीन की पीएलसी में सब समझा चुका हूँ। हम अपने पीस के हिसाब से एजेक्टर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। ये पोजीशन है, यहीं पे हम क्या करेंगे कि अपने एजेक्टर को फिक्स करने वाले हैं। या आप जो यहाँ देख रहे हैं सेंटर, यहीं पर फिक्स करेंगे। उसके साथ आप जो ये स्टील के रॉड देख रहे हो, इस स्टील रॉड, यही स्टील रॉड ही जो है वो मशीन के एजेक्टर को फंक्शन कराते हैं। ये आगे पीछे होते हैं तभी हमारा एजेक्टर फॉरवर्ड और एजेक्टर हमारा रिट्रैक्ट होता है। तो हमने एजेक्टर को अपने फिट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एजेक्टर को लगाया, उसके बाद हम यहाँ इसे टाइट कर देंगे बोल्ट के थ्रू।
अब एक्टर जो है हमारा वो सही से फिट हो गया, वो सेंटर में आ गया, अब हमारे पीस निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोल्ड की हमने और ओपनिंग बढ़ा दी थोड़ा, ताकि मोल्ड हमारा इजीली मशीन के अंदर आ जाए। मशीन के अंदर मोल्ड लाते वक्त खास ध्यान रखना है कि हमें इसे टाई बार से बचा के रखना है। ये जो स्टील के रॉड हैं, टाई बार्स हैं चार, इनसे हमें इसे बचा के रखना है। इस पर हमारा मोल्ड नहीं टकराना चाहिए। तुम्हारा मोल्ड जो है वो मशीन के अंदर आ चुका है। हमने कैविटी सेक्शन, जो हमारा कैविटी सेक्शन है, इसे हम कहाँ लेके चलेंगे, अपने नोजल सेक्शन, जहाँ पे हमारा नोजल और बैरल होता है उस डायरेक्शन पे हम अपने कैविटी सेक्शन को रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, मोल्ड को हम जो हमारा टॉगल होता है उसको पहले तो हम उसको क्लोज करके चेक करते हैं। अगर टॉगल हमारा परफेक्टली स्ट्रेट हुआ और मशीन ने प्रॉपर टनेज लिया तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मोल्ड अब परफेक्टली मशीन के अंदर फिट हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो हम उसे एडजस्ट करते हैं। सेटिंग मोड पे हम ये सारे फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब हैंड पे होता है तो टॉगल हमारा तेज़ी में आता है, जिसपे मोल्ड को उस समय जर्क देता रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं अभी हमारा जो टॉगल है ये पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। हम ये एल शेप में जब हो जाएगा कम्प्लीट तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी हम टनेज एडजस्ट करते हैं। उसके साथ अगर टॉगल एल शेप में हो गया, और यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि मोल्ड पे कोई हो, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, आर पार नहीं दिखना चाहिए थोड़ा बहुत भी, तो ये अगर परफेक्टली फिट होता है तो मतलब कि हमारा जो मोल्ड है वो प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है मशीन पे। तो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया तो हमने टनेज देखा तो 156 टनेज आ रहा है, बल्कि मशीन जो है हमारी वो 150 टन की है, 40 का टॉलरेंस होता है। तो लेकिन फिर भी हमने इसे 150 से कम किया। 150 से कम करने के लिए थोड़ा सा हम टॉगल को पीछे ले लेंगे, थोड़ा टनेज कम कर देंगे। तो हमने कम किया तो 128 आ गया। अभी हमारा टनेज मशीन ने प्रॉपर लिया, तो मोल्ड हमारा जो है वो एडजस्ट हो चुका है मशीन पे। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेंटर मैचिंग। तो सेंटर मैचिंग में हम सबसे पहले तो हम देख रहे हैं नोजल को कैविटी से मिलाना। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे कैविटी सेक्शन है वो प्रॉपर नोजल के सामने नहीं है, ये विजुअली हम देख रहे हैं। इसके लिए हमने मोल्ड को थोड़ा ऊपर उठाया, इस मोल्ड को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद हम इसे लेफ्ट साइड में भी थोड़ा मोल्ड को लेना है, तो मैनुअली हाथ से लेफ्ट साइड पे हल्का सा करके इसे हम एडजस्ट करेंगे, ताकि ये नोजल टिप पे परफेक्टली बैठ सके, इंजेक्शन वगैरह करते वक्त लीकेज ना आए, और ये सही से हमारा मैचिंग, सेंटर मैचिंग प्रोसेस हो सके। तो आइए चेक करते हैं पहले कि बराबर हमारे होल पर बैठा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ कि हम ग्रीस लगा लेते हैं। अगर ग्रीसिंग हम कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है जिस डायरेक्शन पे ग्रीस में ज़्यादा कट मार्क आता है, तो उस डायरेक्शन पे हमें अपने मोल्ड को लेके जाना होता है। तो अभी हमने विजुअली ऐसे ही चेक किया तो हमें मालूम चला कि हाँ भी थोड़ा बहुत इस पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हमने हल्का सा मोल्ड को ऊपर ले लिया, उसके बाद हमने इस पर ग्रीस लगाए। उसके बाद फिर हम जो हमारा यूनिट है उसको हम आगे लेके चलेंगे, यूनिट आगे लेके जाएंगे, देख लेंगे कट मार्क हमारा कैसे आ रहा है। जिस डायरेक्शन पे कट मार्क ज़्यादा हो सेंटर से, उस डायरेक्शन पे हमें वापस मोल्ड को एडजस्ट करना होता है। तो अभी हम देखेंगे पहले, तो हमने प्रॉपर देखा कि जो हमारा सेंटर है वो अभी हमें परफेक्टली लगने लगा है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्टली मैच्ड है, लेकिन एक मेथड से हम पूरा कंफर्म नहीं हो पाते हैं, तो हमने एक साथ में इसके दूसरा मेथड अपनाया कि पेपर या जो भी गत्ता होता है उसको लगा के हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ सेंटर पे बराबर कट होता है तो हमें पता चल जाता है कि सेंटर मैच हुआ है, वरना सेंटर मैच नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो कट है वो ऊपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में ज़्यादा है और नीचे कट कम है। तो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन पे कट ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन पे मोल्ड को लेके जाएंगे। तो अभी ऊपर कट मार्क है तो हमने मोल्ड को हल्का सा ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हल्का सा आप मोल्ड को ओपन करेंगे और उसके साथ अपने रिमोट पे अप बटन को दबाएंगे। तो अब सेकंड राउंड हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं जो सेंटर है हमारा वो परफेक्टली आ चुका है। थोड़ा बहुत इसमें टॉलरेंस रहता है, क्योंकि वो आपके जो स्क्रू पॉइंट मैचिंग कंप्लीट होने के बाद अब जो चीज़ आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, मोल्ड को क्लैम्प करना। मोल्ड को हम परफेक्टली क्लैम्प करेंगे। मोल्ड क्लैम्पिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके स्टड्स होते हैं,
बोल्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के और पैकिंग, ये तीन चीज़ों को मिला के हम मोल्ड को क्लैंप करते हैं। खास बात यह है कि जो आपकी पैकिंग होती है, ये मोल्ड के जो प्लेट की साइज होती है उससे ज़्यादा थिकर नहीं होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके दोनों डायरेक्शन पे हम मोल्ड को परफेक्टली क्लैंप कर लेंगे, ताकि मोल्ड हमारा जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन से मोल्ड गिरे ना हमारा। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर क्लैंप टाइट नहीं रहते तो मोल्ड कभी कभार लूज हो रहता है, तो मोल्ड हमारा गिर भी सकता है, नीचे गिर सकता है, तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। उससे हमारी मशीन भी ब्रेक हो सकती है और इवन दो हमें चोट भी लग सकती है उससे। तो हम ये सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी से करते हैं और हम परफेक्टली मैच करा लेते हैं। तो क्लैंपिंग हमारा जो है वो कंटिन्यू है, क्लैंपिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम मोल्ड की क्लैंपिंग करते हैं। ये जो पैकिंग है हमारी, जो अभी देखा आपने पैकिंग, उसके बाद बोल्ट्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कराएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन पे हमारी घड़ी की सुई चलती। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इमेजिन कर लिया करिए कि ये हमारी इस वॉल पे घड़ी लगी है, मतलब जैसे आप बोल्ट लगा है वहाँ पे वैसी हमारी घड़ी लगी हुई है। तो जिस डायरेक्शन पे घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन पे क्या होगा, मोल्ड हमारा जो भी बोल्ट होगा वो टाइट होगा, और उसके अपोजिट कर देंगे तो बोल्ट हमारा ओपन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। तो हम परफेक्टली इसे टाइट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ। एक साइड क्लैंप को टाइट किया, वैसे हम दूसरे साइड भी क्लैंप को टाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हमने क्लैंप को फिट कर लिए। तो अब हम इस साइड भी क्लैंप को वैसे ही फिट कर लेंगे। चारों क्लैंप जैसा मैंने बताया परफेक्ट होने चाहिए, फुल्ली टाइट होने चाहिए। हम एक दो बार इसको चेक कर लेते टाइट करने के बाद, क्योंकि बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए जिससे हमारे मोल्ड पे कोई इफेक्ट पड़े। अब हम एक बार ये जब फिट हो गए तब अब हम इसे परफेक्टली जो पैकिंग आप देख रहे हैं, पैकिंग का साइज प्लेट की साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका क्लैंप फिट नहीं होगा। ये जो क्लैंपिंग कर रहे हैं ये मिस्टर अंकित कुमार हैं, इन्होंने भी पीपीटी बैच के हैं लखनऊ के, ये बहुत ही काबिल आदमी हैं। ये क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें ये कर लेते हैं। इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की मोल्ड चेंजिंग के वीडियो बनाने में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने परफेक्टली क्लैंप किया। अब हम इसे पाइप से और ज़्यादा फोर्स से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉर्क जनरेट होता है। अगर हम कोई भी चीज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है उससे हमारा जो है टॉर्क जनरेट होता है और फोर्स ज़्यादा लग पाती और बोल्ट्स हमारे जो हैं वो परफेक्टली टाइट हो पाते हैं। तो हमने इसे एक एक करके हमने इन्हें परफेक्टली टाइट करके हम इन्हें चेक भी कर लेते हैं साथ में। तो अब हमारे जो क्लैंप्स हैं वो परफेक्टली टाइट हो चुके हैं, क्लैंप हो गया है दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ सेटिंग्स चेक करते हैं, टेम्परेचर हो गया आपका, इंजेक्शन हो गया, और साथ में जो हमारा एजिक्टर होता है उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड कितना आ रहा है उस हिसाब से हम पोजिशन इसकी सेट करते हैं, जितनी हमें पार्ट इंजेक्शन कराने की ज़रूरत होती है। तो हमने अपने एजेक्टर को सेट किया 60 mm पे। तो हम इसे सेट कर लेते हैं अपने पीस के हिसाब से। एक बार आप सेट करेंगे, पीस निकालेंगे, अगर नहीं प्रॉपर निकल रहा तो आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये हमारा जो पेज है ये कंप्लीट इंजेक्शन पेज है। साथ में इसके टेल में चलते हैं पीएलसी, टोशिबा मशीन की पीएलसी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे इसमें फंक्शन होता, क्या फंक्शन होता। सबसे पहले हम टेम्परेचर पर चलेंगे, मतलब अब हमें टेम्परेचर सेट करना है सारे जोन्स का और नोज़ल का। हम मटेरियल जो चला रहे हैं उसमें क्या टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं।
तो हमने टेम्परेचर सेट किया। आगे वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या क्या है, आप कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हमने अपना मेन पेज खोला जिसमें हमारा इंजेक्शन, डोजिंग, ये सारी चीज़ें, होल्डिंग, ये सारी चीज़ों की जानकारी रहती। तो हम सबसे पहले मटेरियल जो आप देख रहे हैं 118 mm मटेरियल सेट है, 118 mm, तो ये भी पीस के हिसाब से सेट होता है। तो हमारा पीस जो था उसके हिसाब से हमने 125 mm सेट किया। ये डिफरेंट होता है मशीनों पे, ये L/D रेशियो पे डिपेंड करता है, हमारे स्क्रू के और मशीन की क्या प्लास्टिक साइजिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। आप इसको रिट्रैक्ट देख सकते हैं, 127 mm मतलब 2 mm का सक बैक है। उसके साथ ये स्विच ओवर है हमारा, 2 mm पे हमने स्विच ओवर पोजीशन सेट कर दिया है। साथ में अपना होल्डिंग देख सकते हैं आप, 4 सेकंड टाइम होल्डिंग का है, इसको भी हम थोड़ा कम कर लेंगे, 3 सेकंड या 5 सेकंड जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। तो हमें अभी 3 सेकंड रखना है, तो हमने 3 सेकंड इस पर सेट कर दिया होल्डिंग प्रेशर, ये सारी चीज़ें। फिर इंजेक्शन है, इंजेक्शन का प्रेशर, स्पीड और ये, साथ में से साइकिल मॉनिटर है हमारा, इसी में कूलिंग टाइम भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम सेट करते हैं, बढ़ाते घटाते रहते हैं। अब मशीन को चालू करेंगे। सबसे पहले मटेरियल को हमने क्या किया, अपने हॉपर को सेट किया, हॉपर को ओपन कर लिया, तो मटेरियल हमारा बैरल में आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें पर्च कराना होता है। भाई देखिए पंप नॉट रनिंग, तो हम पहले पंप को चालू कर लेंगे, अलार्म आ रहा है, पंप को हमने चालू कर लिया। ये होता है HRTC के लिए, अगर हमने मोल्ड पे HRTC लगा रखा तो हम ये ऑन कर देते हैं। देखिए आप डोजिंग हमारी लेने लगी, 95 mm हमने बाद में सेट किया। तो वाले अब हम पर्च कराने वाले, पहले क्या होता है स्टार्टिंग में बैरल में जब मटेरियल डालते हैं तो हम पर्च करा लेते हैं कि कोई चीज़ उसके अंदर जो पुराना मटेरियल था वो थोड़ा बहुत फंसा हो या रह गया हो, तो इसके लिए हम पर्च करा लेते हैं। मैन्युअली हम करा रहे हैं, हैंड मोड पे है ये, हमने इंजेक्शन करा के पर्च कराया। और साथ में ये होता है हमारा प्लास्टिसाइज कराने के लिए, रिफिल करने के लिए, ये मैन्युअली बटन है, तो हमने सेमी ऑटोमेटिक पे मशीन को ऑन कर दिया। तो अब हमारी मशीन ऑन होगी, अब हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है। इस मशीन पे हमें पानी की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने कूलिंग इसमें नहीं दी, क्योंकि इस जो मोल्ड था हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट था उस पे वाटर की जरूरत नहीं थी पानी की मोल्ड पे। आप देख सकते हैं पीस निकला, पीस हमारा जो है भी एजेक्टर हमारे पूरे बाहर नहीं आए थे, क्योंकि हमें और ज़्यादा बढ़ा के रखना था तो हमने उसको एजेक्टर को इंक्रीज कर दिया था कुछ, और हमारा पीस जो है वो आया। अभी पीस आप देख सकते हैं, पीस हमारा सॉल्ट है, पीस जो है हमारा वो सॉल्ट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंजेक्शन स्पीड बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, और पिछले बार जो हमारा पीस सही नहीं निकला था तो हमने थोड़ा सा इजेक्टर की पोजीशन भी बढ़ा ली। अभी भी शॉर्ट था तो हमने थोड़ा मटेरियल को भी इंक्रीज किया, 95 था अब हमने 100 कर लिया, इसे 100 mm कर लिया। आप देख सकते हैं फिर से सकबैक 102 पे आ गया। ऑटोमेटिक फंक्शन है इस मशीन पे, टोशीबा मशीन की खास बात है, बेहतरीन अद्भुत मशीन है ये इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए। नेक्स्ट पीस पे हम चेक करेंगे, नेक्स्ट पीस आप चेक करिए, अभी भी थोड़ा सा रह गया है प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होने में। फिर हम आए, हमने थोड़ा मटेरियल 102 किया, तो आप देख सकते हैं कि इस थर्ड टाइम हम चेक करेंगे अपने पीस को, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा पीस पूरी तरीके से फिल हो चुका है कंप्लीटली, और हमारा प्रोडक्ट रेडी। इस तरह से सेटिंग से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको हम आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखा आपने कि इस मोल्ड पे कहीं पे भी वाटर का चैनल नहीं दिया गया, मतलब इस मोल्ड पे हमें ज़रूरत नहीं थी वाटर की प्रोडक्ट पे, वरना हम आउट और इन सेक्शन से पाइपों से हम इस पे वाटर दे देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
जय हिंद।